गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे कि सॉरी प्लांट्स में हम किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, और रिप्रोडक्शन के दौरान, जनन के दौरान एक नई संतति उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ाया था कि टू टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल का मीन्स होता है कि टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और मैंने दोनों पेरेंट्स के नाम भी बताए थे कि मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स। और मेल गैमिट्स के रूप में हमने क्या लिया था, मेल गैमिट्स के रूप में स्टेमन होता है, जबकि जो फीमेल गैमिट्स होता है उसके रूप में पिस्टिल होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि बर्डिंग, बाइनरी, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इन मेथड के द्वारा हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लोवर, फ्लोवर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर एंड बाइसेक्सुअल फ्लोवर, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट मीन्स जनन के बारे में, कि एक्चुअली जनन होता क्या है, और जनन के दौरान क्या बनता है, न्यू संतति बनती है या नहीं बनती। आवाज तो आ रही है ना? यस मैम। ओके, तो देखो रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है हिंदी जनन। जब किसी जीव से या किसी प्लांट से, जीव के अंदर हमारे एनिमल्स भी आ सकते हैं, मानव प्रजाति भी आ सकती है, किसी जीव से या प्लांट से एक नई संतति का उत्पन्न होना, ठीक है। मैं बोल रही हूँ रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है किसी जीव से एक नई संतति का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो देखो डेफिनेशन कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट न्यू इंडिविजुअल। ध्यान से समझना कि रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कि इस प्रोसेस के दौरान एक नई संतति उत्पन्न होती है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान एक नई संतति उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे बात करें कि मानव है, मानव से बेबी का जन्म होना, वो भी नई संतति है, वो भी किस प्रोसेस के द्वारा, रिप्रोडक्शन के दौरान। इसके अलावा हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी प्लांट की लीव से, किसी प्लांट की स्टेम से, किसी प्लांट की टहनी से, या किसी प्लांट्स की रूट जड़ से हम नए प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी, रोज की बात करती हूँ, गुलाब की बात करती हूँ, गुलाब के प्लांट की हम स्टेम को क्या कर दे, सोयल के अंदर ग्रो कर दे, तो वो क्या होती है, और उनको प्रॉपर मात्रा में हम अगर पानी प्रोवाइड करवा दे तो एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स की रूट है, जिनकी जड़े हैं, अगर हम उनको सोयल के अंदर लगा दे तो वो क्या हो जाता है, उन जड़ों से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन का हिंदी मीन्स यही है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीव से एक नई संतति का उत्पन्न होना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है, तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, इसका इसकी जो डेफिनेशन है वो तो समझ में आ गई कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक नई संतति का उत्पन्न होना, एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होना, या हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। आप शॉर्टकट में लिखना चाहो ना रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन,
तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि रिप्रोडक्शंस मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है प्रोड्यूज न्यू इंडिविजुअल। ये भी इसकी हम डेफिनेशन राइट कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन या जनन का मीन्स होता है कि नई संतति प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद में बात करती हूँ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है लैंगिक जनन, जिसको हम फ्लोर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए मैं एक फ्लोर लाऊंगी और उसमें अलग अलग पार्ट बताऊंगी और किस प्रकार से एक न्यू संतति उत्पन्न होती है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। जबकि मैं बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, वेरी गुड। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कि रिप्रोडक्शन का मीन्स तो हमें पता चल गया है कि एक नए जीव की उत्पत्ति होना, जिसमें हम दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मींस लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन को, कि बेसिकली अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की डेफिनेशन देखते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जेनिटली आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और हम किसी भी प्लांट्स की रूट से, स्टेम से, या बात करें उसकी टहनी से, या उसमें जो फ्रूट्स में जो सीड्स आते हैं उनसे क्या करवा सकते हैं, न्यू संतति उत्पन्न करवा सकते हैं। डेट मीन्स न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की। यहां तक समझ में आ गया ना सबको, यस या नो? साली, यहां तक समझ में आ गया ना? यस मैम। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन डेट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ मेथड है हमारे पास, जैसे बर्डिंग मेथड है, वाइनरी फ्यूजन मेथड है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, सभी मेथड को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करती हूं। तो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूज न्यू इंडिविजुअल। दैट मीन्स या डेट आर genitally identical to the
पेरेंट्स प्लांट, जैसे रूट्स, और रूट्स में हम किसके लिए क्या ले सकते हैं, सच एज प्लांट ट्यूबर, या हम बोल सकते हैं स्टेम ट्यूबर, ठीक है, राइजोबियम अंडरगोज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो आप कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, कि अलैंगिक जनन के दौरान भी क्या होता है, नई संतति उत्पन्न होती है, ठीक है, लेकिन दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स प्लांट, लेकिन क्या हो, वो अपने जिस प्लांट से हम जो ले रहे हैं पार्ट, वो अपने पेरेंट्स से क्या हो, जेनेटिकली, लेकिन लक्षण क्या हो उनके सेम हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि ये दोनों बहन भाई है, ठीक है, तो वो उनमें जो लक्षण होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनकी आवाज मान लो, उनकी बॉडी मान लो, उनकी हेयर मान लो, या उनकी चाल मान लो, कुछ भी मान लो, दो रियल बहन भाई आपस में कुछ ना कुछ उनमें क्या होती है, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब आपस में दोनों सेम होते हैं। इसी प्रकार हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी क्या होता है, जो पेरेंट्स प्लांट्स होते हैं वो आपस में दोनों सेम होते हैं। जैसे बात करें प्लांट्स की रूट की बात करें, सच स्टेम ट्यूबर, जब हम किसी प्लांट्स के ट्यूब से भी क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं, राइजोम्स जड़े, किसी प्लांट की जड़ों से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है, और एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मींस होता है वनस्पति प्रचार, जिसमें प्लांट की स्टेम को या उसके रूट को हम काट के क्या कर सकते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो ये क्या थी हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को हम डिफरेंट टाइप से करवाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है इसमें है बडिंग। बडिंग का मीन्स होता है मुकुलन, कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके छोटे छोटे बड निकले हुए होते हैं, ठीक है, जिनसे न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, किसी प्लांट मतलब कोई भी प्लांट ऐसा होता है जिनकी छोटे छोटे शाखाएं निकली होती हैं और उन्हीं शाखाओं से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हम करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। इसके बाद हम बात करें सेकेंड बाइनरी एंड मल्टीपल फीजन मेथड। इस मेथड के द्वारा भी हम एक प्लांट्स लेते हैं और उस प्लांट्स में जैसे ही डिवीजन होगा, फर्दर डिवीजन होगा, तो एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। वो हम अभी डायग्राम से देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। थर्ड की बात करें, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मीन्स होता है विखंडन, कि किस प्रकार से हम एक प्लांट में विखंडन प्रोसेस के द्वारा न्यू संतति प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और फोर मेथड की बात करें, फोर मेथड है स्पोर फॉर्मेशन।
आपने देखा होगा जैसे गेहूं की फसल है, ठीक है, मक्के की फसल है, ठीक है, राइस की फसल है, या बाजरे की फसल है, या फिर अदर फसल है, उनको हम कैसे खेत में उगाते हैं, तो सीड्स डाल के, ठीक है, क्योंकि उन प्लांट्स की, गेहूं की मान लो, गेहूं जो की मान लो, बाजरे की मान लो, इन प्लांट्स की जड़ को हम क्या कर सकते हैं, छिलो के क्या कर रहे हो इसे, कि इम्पॉसिबल है एक एक प्लांट्स की टहनी को लगाएंगे तो इतने, क्योंकि हमें जो अनाज है, ठीक है, गेहूं जो बाजरा उनकी जो फसल है वो हम बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, डेट मीन्स हमें बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्लांट्स कैसे हम ग्रो करवाते हैं, कैसे न्यू प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो सीड फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, कि सीड्स को हम ट्रैक्टर की सहायता से, फिर अपने हाथ की सहायता से फील्ड के अंदर डालते हैं और न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल सहित समझेंगे। इसके बाद फिफ्थ मेथड पढ़ेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीन्स होता है वनस्पति प्रचार, उसमें हम ग्राफ्टिंग या कुछ खूब सारे मेथड है जिसमें हम आर्टिफिशियल मेथड और जो नेचुरल मेथड है उनके द्वारा न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इसके अंदर हम दो मेथड को पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड सेकंड पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल मेथड। ये टॉपिक कम से कम पूरे एक वीक का है, क्योंकि एक ही मेथड को हम पढ़ेंगे डेली तो कम से कम एक वीक लग जाएगा। तो ये क्या है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें जो भी न्यू संतति होती है, जो भी न्यू संतति प्रोड्यूस होती है वो आपस में क्या होती है, आइडेंटिकल, समान होती है, और हम किसी भी प्लांट की रूट से, उसकी जड़ों से या उसकी स्टेम से न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि हम विभिन्न प्रकार से बडिंग प्रोसेस द्वारा, बाइनरी फ्यूजन मेथड द्वारा, फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा, इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इन मेथड के द्वारा भी हम क्या करवा सकते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो अब हम डिटेल से एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं। पहले देखेंगे कि बडिंग मेथड में किस प्रकार से हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि कुछ मेथड है, इनके नाम ध्यान रखने हैं आप लोगों को, और इन मेथड को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस या नो? सालवी, सालवी यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ओके, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद में बात करती हूँ सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के लिए, कि बडिंग क्या होती है और किस प्रकार हम बडिंग से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो मैं बात करती हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बडिंग के लिए। हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है बडिंग, कि किस प्रकार से हम एक पुपुलन के द्वारा एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बडिंग मेथड है वो
यूनिसेलुलर जो भी प्लांट्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो हमारा पॉइंट फर्स्ट होगा कि दिस मेथड इज यूज बाई यूनिसेलुलर प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिस मेथड यूज्ड ओनली यूनिसेलुलर प्लांट्स। और यूनिसेलुलर प्लांट्स का मींस होता है एक कोशिकीय प्लांट्स। ये मेथड ओनली किनके लिए यूज किया जाता है? यूनिसेलुलर प्लांट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल क्या होगा मैम, यूनिसेलुलर प्लांट्स कौन सा है। तो हम बात करते हैं लाइक ईस्ट की। एग्जाम्पल के रूप में हम किसको लेते हैं? ईस्ट। ये क्या है? एक यूनिसेलुलर प्लांट्स है। और इस प्लांट्स में ही हम बडिंग के द्वारा क्या करवाते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक फंजाई है। फंजाई का मीन्स होता है कवक। जो ईस्ट है वो एक फंजाई है, एक कवक है, जिसको हम ग्रीन सेवाल के नाम से या ग्रीन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज, ठीक है। समझ में आ गया कि बडिंग प्रोसेस किसमें करवाते हैं? यूनिसेलुलर प्लांट्स में। यूनिसेलुलर प्लांट में हमने एग्जांपल किसका लिया? ईस्ट का, जो एक क्या है? फंजाई है, एक कवक है, जो क्या है? एक ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट, सॉरी, ये एक नॉन ग्रीन प्लांट्स है। ईस्ट में होता है फंजाई है, ये फंगस है, कवक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और मैंने क्या बोला था कि बडिंग प्रोसेस में जितने भी ये प्लांट्स हैं इनके छोटे छोटे बड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कलिकाएं। आपने कभी घर पे सुना होगा कि इनकी कलिकाओं को मत तोड़ो, ये न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते। कुछ प्लांट्स की कलिकाओं से ही हम क्या करवाते हैं? न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवाते हैं। इसी प्रकार ईस्ट के अंदर भी एक बड होता है जिसको हम कलिकाएं कहते हैं, और इसी बड के द्वारा हम क्या करवाते हैं? न्यू प्लांट फॉर्मेशन। इन्हीं कलिकाओं के द्वारा, या हम बोल सकते हैं न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। मैंने बोला कि यूनिसेलुलर प्लांट्स है, ईस्ट में होता है एक फंजाई, एक कवक है, जो क्या है? एक नॉन ग्रीन प्लांट्स। इसमें एक बड़ होते हैं, कलिकाएं होती है छोटी छोटी, उन्हीं कलिकाओं से हम क्या करवाते हैं? न्यू प्लांट फॉर्मेशन या न्यू इंडिविजुअल, नई संतति या नया प्लांट्स फॉर्मेशन करवाते हैं। और ये कलिकाएं डेवलप होती होती क्या करती है? एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करती है। जैसे मेरे पास एक ईस्ट है, इसमें छोटा सा बड निकला हुआ है। ये बड जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, जैसे एक माँ के पेट के अंदर, माँ के गर्भाशय के अंदर एक बेबी 9 महीने तक ग्रोथ करता है ना, ठीक है। इसी प्रकार प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी प्लांट्स छोटा सा बड निकलेगा, उसको हम प्रॉपर, ठीक है, खाद वगैरह पानी वगैरह हम प्रॉपर मात्रा में देते रहेंगे तो वो प्लांट्स ग्रोथ करता 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 एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाता है। अधिकतर हम बरसात के दिनों में क्या करवाते हैं? प्लांट करवाते ना, प्लांट अंडरटेकिंग करवाते हैं, प्लांटिंग करवाते हैं। तो देखते हैं कि हमने छोटा सा प्लांट लाया, हम छोटा सा प्लांट लेके आते हैं और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जब हम नोटिस करते हैं तो प्लांट्स एक बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से तो बता रही हूँ कि जैसे एक छोटा एक बड़ होता है, एक ईस्ट होती है, उसमें छोटा सा बड़ होता है, वो डेवलप होता 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 एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन
करवाता है, जिसमें आप लोगों को डायग्राम बना के बताती हूँ ये क्या है। मेरी एक ईस्ट सेल है, इसमें क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है मेरा न्यूक्लियस। जैसे ही इसमें डेवलपमेंट होगा, जैसे ही ग्रोथ करेगा, तो इसके एक छोटी सी बर्ड निकलेगी, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्लांट होगा और एक छोटी सी बर्ड इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। ये इसमें भी क्या होगा, जैसे फर्दर फीड डिवीजन होगा, फर्दर डिवीजन होने के बाद ये सेल क्या होगी, एक बड़ी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स इस प्रकार की ये सेल बना लेगी, इसमें फर्दर फीड डिवीजन होगा, तो ये कल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो इस एक टेनिस में हमने कितने बर्ड्स बना ली। दैट मीन्स हम कभी भी देखते हैं कि हमारा एक छोटा सा प्लांट होता है, जब हम लाते हैं उसको मार्केट से खरीद के या फिर, ठीक है, तो उस प्लांट की ओनली एक टेनी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होगा, जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा, उसकी टेनिया फैलना स्टार्ट होगी, फिर टेनी निकलेगी, फिर टेनी, फिर टेनी, फिर टेनी। तो वही तो है कि हमने एक प्लांट, एक ईस्ट का प्लांट लिया, जैसे ही ये न्यूक्लियस डेवलप होगा, इसको हम प्रॉपर मात्रा में वोटर खाद वगैरह देते रहेंगे, तो जैसे ही ये न्यूक्लियस डेवलप होगा, तो इसमें छोटे छोटे बर्ड निकलना स्टार्ट होंगे। ये बर्ड है, ठीक है, कलिका है, और ये बर्ड जैसे ही बर्ड जैसे फिर डेवलप होंगे, फिर इसमें ये भी ग्रोथ करेगा, तो ये वाला बर्ड ये वाला दोनों ग्रोथ करता रहेगा, फिर ये फिर ग्रोथ करेंगे, तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स मिलती है। और इन्हीं कलिकाओं से हम क्या करवा सकते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। सालवी, समझ में आ गई कि बडिंग प्रोसेस क्या है? सालवी, सालवी, भावना? यस मैम। देखो मैम, मैंने बताया है रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। ध्यान से समझने, एक बार पूरा बता रही हूँ कि रिप्रोडक्शन का मींस होता है प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, कि एक नई संतति का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और हम बोल सकते हैं कि जनन बेसिकली दो टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल का मींस होता है लैंगिक जनन, असेक्सुअल का मींस होता है अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम किसी भी प्लांट्स की रूट से, उसकी जड़ से, उसकी स्टेम से, या बात करें उसमें जो फ्रूट्स में जो सीड्स आते हैं, उनसे एक न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवाते हैं, और उनके लिए हम अलग अलग मेथड क्या करते हैं, रीड करते हैं। कैसे, बडिंग मेथड है, सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे, बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल मेथड है, इसमें भी एक सेल होगी, और देखना वो किस प्रकार से डेवलप होके दो पेरेंट सेल या दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से हम बीजों को स्पोर करके या बीज फैलाव से हम एक किस प्रकार से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बडिंग, मुकुलन, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से हम मुकुलन के द्वारा एक न्यू संतति उत्पन्न करवाते हैं। तो सबसे पहले तो माइंड में एक चीज का ध्यान रखना कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बडिंग होता है, उसमें ये मेथड ओनली किस में होता है, यूनिसेलुलर प्लांट्स में, ठीक है।
यूनिसेलुलर प्लांट्स का मीन्स क्या हुआ, एक कोशिकीय प्लांट जिसमें बात करते हैं हम किसकी, एग्जाम्पल ईस्ट की, ठीक है, ईस्ट की एग्जाम्पल बात करते हैं, तो ईस्ट एक प्रकार का क्या है, ये फंजाई है, फंगस एक कवक है, ठीक है, जो क्या है, एक नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि बडिंग में हम ईस्ट की बात करते हैं तो एक यूनिसेलुलर प्लांट्स है और एक फंजाई है जो एक नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है। जबकि अब ये भी पता होना चाहिए कि हम किस ईस्ट में किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करवाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि जो ईस्ट होता है उसमें छोटे छोटे बड होते हैं, कलिकाएं होती हैं, और वो कलिकाएं डेवलप होती हुई एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाती है। जैसे वो बड होते हैं, उन्हीं बड से हम क्या करवाते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि न्यू इंडिविजुअल, नई संततियां, नई प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। और हमने स्ट्रक्चर से भी देख लिया कि हमारे पास ये ईस्ट है एक, और किस प्रकार इसमें जो ये न्यूक्लियस है वो किस प्रकार से ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करता 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 किस प्रकार से इसमें देखो ये ब्लड, इसकी जो बड है ये भी ग्रोथ करेगा, फिर ये न्यूक्लियस में फर्दर डेवलपमेंट होगा, फिर ये अलग से बड बनेगा, और किस प्रकार से हम एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड सबको समझ में आ गया कि बडिंग क्या होता है, यस या नो? यस मैम। इसके बाद हमारे एक मेथड और है, बाइनरी फ्यूजन मेथड, ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ये भी किस में होता है, वही यूनिसेलुलर प्लांट्स के अंदर। तो देख लो, सेकंड मेथड की बात करते हैं हम, फ्यूजन बाइनरी मेथड, फ्यूजन बाई मेथड में भी हम क्या लेते हैं, यूनिसेल्युलर प्लांट्स। और यूनिसेलुलर प्लांट्स में हम बात करें तो इसमें क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी जो जीवाणु होते हैं उनकी बात करते हैं, उनसे हम किस प्रकार से एक न्यू संतति उत्पन्न करवा सकते हैं। और इसमें एक हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि एक पेरेंट सेल होती है, वो फर्दर डिवाइड होके किस प्रकार से दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। तो इसमें बात करते हैं कि इसमें एक पेरेंट सेल होती है, उसमें क्या होगा, डिविजन होगा, और क्या बनाएगी, एक डॉटर सेल। वो देखो किस प्रकार से हम एक डॉटर सेल की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक सेल होगी, ठीक है, ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक पेरेंट सेल है। इसमें क्या करेंगे, हम डेवलपमेंट करवाएंगे, ठीक है। और ये किस प्रकार से एक दूसरी सेल में कन्वर्ट होने का, इसकी जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से कन्वर्ट होगी, ठीक है। इसमें फर्दर हम डिवीजन करवाएंगे, तो ये जो सेल है वो क्या होगी, इस प्रकार से क्या होगी, फर्दर डिवीजन होगी,
ठीक है। इस प्रकार से डिवीजन होती होती ये दो सेल की फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसने दो सेल बना लिया और दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर ली। तो ये क्या हुआ, दो डॉटर सेल। ठीक है, इस मेथड में हमने क्या किया, ये मेथड यूनिसेलुलर प्लांट्स में होता है और इस मेथड में किस प्रकार से हम एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये क्या है, डॉटर सेल। तो देखो, इस मेथड में हमने क्या लिया, एक पेरेंट सेल ली, उसमें फर्दर डिवीजन हुआ और इस डिवीजन से क्या बनी, ये जैसे जैसे डेवलप होगी ये सेल अलग होगी और अलग होती होती दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर लेगी। तो ये कौन सा मेथड है, फिजन बाइनरी मेथड। ओके स्टूडेंट, बाकी के जो मेथड है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।